हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत चुकी कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की है। विधायक दल की बैठक से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह के परिवार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वीरभद्र सिंह के नाम और उनके चेहरे और काम पर जीती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके नाम, चेहरे और परिवार का उपयोग करें और किसी और को श्रेय दें। उन्होंने कहा कि हाईकमान जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। हिमाचल प्रदेश में जीत मिलने के बाद कांग्रेस के सामने असली चुनौती कप्तान चुनने की है। मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में गुटबाजी के आसार के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने अपने परिवार का हक जता दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वीरभद्र सिंह जी के नाम पर जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हाईकमान मुख्यमंत्री का फैसला करेगा, लेकिन जनता की इच्छा को भी ध्यान में रखा जाएगा। वीरभद्र सिंह की पत्नी ने यह भी कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है और इसे भी ध्यान में रखा जाए। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि हमको जो जिम्मेवारी दी गई थी, मुझे कहा, पार्टी प्रेसिडेंट बनाया मैडम सोनिया गांधी जी ने, और मुझे कहा था कि हिमाचल प्रदेश को दोबारा कांग्रेस की सरकार को वापस लाना है, तो इसमें हमने जो उन्होंने ड्यूटी दी, प्रदेश के कोने कोने में जाके 68 हलकों में हमने उनके संदेश को दिया, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन मेहनत की। उसका अंजाम ये है कि हम 40 सीटें जीत कर आए, जिसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता का और पार्टी वर्कर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में हाईकमांड, जिसमें खड़गे जी भी यहाँ पर आए, प्रियंका जी ने भी बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर ली, जिसका भी बहुत हमारे को सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और उसकी वजह से आज हम इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सके। क्या माने कि कितने दिनों में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा? देखिए, ये फैसला जल्दी होगा, क्योंकि इसको आज ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। आज बैठक है, विधायकों की बैठक है, हाईकमांड के लोग आएंगे, उसमें हुड्डा जी भी होंगे, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भी होंगे, हमारे प्रभारी भी होंगे, खड़गे जी पता नहीं आएंगे कि नहीं, बट उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। सोनिया जी जो दिल्ली में बैठी हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया है, वो भी बहुत खुश थी कि हमने हिमाचल प्रदेश को दोबारा से कांग्रेस की पार्टी को सत्ता में लाया है, तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। उनके साथ हम डायरेक्ट संपर्क में हैं, जो भी उनका निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। ऐसी हुई है विधानसभा चुनावों में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की उत्सुकता है, और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी कई तरह के बड़े सवाल बने हुए हैं। आज विधायक दल की बैठक है, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक पूर्ण बहुमत की सरकार, 40 विधायकों की सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दी है, और कुछ निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, तो हमें विश्वास है कि वो 40 का आंकड़ा बढ़कर जो है वो 41 या 42 बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर वो अभी भविष्य के गर्भ में है, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मगर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की बात है, उसकी औपचारिक जो शुरुआत है वो आज शुरू हो रही है। आज बैठक रखी गई है करीबन 3:30-4 बजे के लिए, जिसमें हमारे जो चीफ ऑब्जर्वर्स हैं इन चुनावों के लिए, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो अभी इन चुनावों का जो नया लीडर बनना है उसके लिए हाईकमांड से डिप्यूट किए गए हैं, वो आ रहे हैं। भूपेश बघेल जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं। राजीव शुक्ला जी आ रहे हैं, और सब मिलकर जो हमारी विधायक दल है उनके साथ बैठक होगी, और वो निर्णय लेंगे कि अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाना है, तो निश्चित तौर से उसमें सब अपनी अपनी बात रखेंगे, और जो कलेक्टिव विल है विधायक दल की वो हाईकमांड के समक्ष रखी जाएगी, और फिर हाईकमांड आगे उस बात को जो है ऑब्जर्वर्स आगे वो बात हाईकमांड तक रखेंगे, और जो भी फैसला हाईकमांड लेती हैं वो हमारे लिए माननीय और सम्मान्य होगा, हम उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जो हमने वादे चुनावों में लोगों से किए हैं, जो हमने उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, चाहे कर्मचारी है, बागवान है, किसान है, युवा है, उनको हम आने वाले समय में पूरा करें, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, और जैसे ही सरकार बन जाएगी, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नई कैबिनेट बनेगी, उसके बाद हम अपने कार्य जो है वो इमीडिएटली प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।